हाँ, मैंने 19 में मेंस लिखा है, मैंने 21 में मेंस लिखा है। 19 में मैं क्वालिफाई थी मेंस में, और 21 में मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। यही बोलूंगा कि सेल्फ स्टडी नोट्स, और आपको जो यहाँ पे डेली 3 3 घंटे बैठाते हैं, आपको रोज वही 3 घंटे घर में बैठ के लिखना है बस। अब जो जो अभी जो पैटर्न बन गया है वो 80 नंबर, मतलब आप श्योर हैं कि निकल जाएंगे प्रीलिम्स में? तो मेरा जो नहीं भी निकला है वो 1 नंबर या 2 नंबर का ही रहता है, अच्छा। और मुझे हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी मेंस का एग्जाम चल रहा है, और आज है पेपर हिंदी का। अभी भैया लोग इंटरव्यू दे के आए हैं, तो इनसे जानेंगे कैसा क्या पेपर रहा, क्या लेवल देखने को मिला पेपर का। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूंगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ जाइए, क्योंकि हम टॉपर्स के जो नोट्स कॉपी वगैरह शेयर करते रहते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आपका शुभ नाम? अंकित पांडे। कैसा क्या रहा पेपर? अच्छा था, 20 और 21 से तो आसान ही आया था। अच्छा, मतलब देखा जाए तो जो लेवल है पेपर के वो इजी चल रहे हैं अभी फिलहाल में? मॉडरेट ही चल रहे हैं, इजी टू मॉडरेट। कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, अगर कुछ कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा, कौन सा पोर्शन इजी लगा? टफ तो ऐसा कुछ था नहीं, जो नहीं बना तो टफ ही था। अच्छा। बाकी जो जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट ही आए थे, सीधे सिलेबस था, टॉपिक तक एकदम टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। अच्छा, जो सिलेबस की जो टू द लाइन है उससे उठा के दे दिया, जैसे संधि की परिभाषा दे दिया, संधि विच्छेद दे दिया, विलोम शब्द पर्यायवाची, एग्जांपल और डेफिनेशन, बस इतने ज्यादा फोकस किया। ज्यादा वेकेज किसका था, मतलब कुछ अगर बताना चाहे कि इस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न देखने को मिले, संधि समास विलोम पर्यायवाची? संधि समास और अलंकार, ये 3 चीज से ज्यादा वेकेज। अच्छा, जो ये पूछे गए ये इजी थे, बनने लायक थे, मतलब वैसे तो डिफाइन टॉपिक है पूरा कि इतने से इतना ही मार्क्स के आएंगे, लेकिन फिर भी अलंकार और संधि और समास से काफी पूछा गया उससे। अब टाइम वगैरह का इशू हुआ क्या? टाइम तो आधे घंटे पहले खत्म हो गया था। आधे घंटे पहले खत्म? हिंदी में पेपर 5 में तो टाइम का दिक्कत नहीं होता। मीडियम क्या आपका? इंग्लिश है। इंग्लिश तो इंग्लिश वालों को दिक्कत आती होगी यार, हिंदी को? आती तो है, लेकिन अब मैं 2 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ तो उतना मेरे को इशू हुआ नहीं। अच्छा। लेकिन फिर भी आती है। ओके। राइटिंग की स्पीड में आती है, और मतलब जो ग्रामर्स होते हैं उसमें दिक्कत होती है ऊपर नीचे। राइट। अभी तक कितना प्री कितना मेंस दिया आपने? अभी ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट है, मतलब प्री का ये मेंस नहीं दिया आपने, या पहला मेंस? पहला मेंस है। शुरुआत किया था आपने पीएससी का प्रिपरेशन? 2020 से चालू कर दिया था मैंने। 2020 से चालू कर दिया था, और कोचिंग लिया था मैंने। ओके। बाकी सेल्फ स्टडी है जो वो बहुत सही रहती है, मतलब कोचिंग तो ठीक है, मतलब मार्गदर्शन मिल गया। 6 दिन था, ये मैनेज हो गया था रिवीजन वगैरह करना, मतलब बैक टू बैक कुछ छूट जाता है, कुछ बैक टू बैक क्योंकि मेरे पास अभी उसके मतलब इसने प्रिसाइज नोट्स है नहीं कि उस हिसाब से रिवीजन हो पाए। राइट। तो कुछ छूट जाता है मेंस के। तो भैया यही बोलूंगा कि सेल्फ स्टडी नोट्स, और आपको जो यहाँ पे डेली 3 3 घंटे बैठाते हैं, आपको रोज वही 3 घंटे घर में बैठ के लिखना है बस, क्योंकि पेपर छूट जाते हैं। ये तो आज का पेपर तो ठीक है, थोड़ा ठीक आया है, लेकिन बाकी पेपर जो लेंदी आ रहे हैं वो लोगों का छूट रहा है, एकदम एंड तक लिख रहा है, बिल्कुल लिख रहा है। अच्छा, कॉपी को लेकर कोई? हाँ, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है कि 3 मार्कर में 4 लाइन, 3 मार्कर में 4 लाइन अभी हो गया है सब ठीक। नहीं, अब तो कम लिख रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है, आयोग कैसे चेक करता है, उसको क्या समझता है, वो कैसे देखता है, वो तो उसके ऊपर है हम लोग। बाकी तो हम लोग को भरना काम है। अच्छा, पूरा पूरा पेज भर रहे हो? हाँ, पूरा, किसी में पूरा पेज भर जाता है। अब कुछ नहीं बनना तो कम पेज हो गया, किसी में नहीं तो ज्यादा पेज हो गया, ऐसा हो गया। ओके, थैंक यू। शुभ नाम? शिवम नगाइज। कैसा क्या रहा पेपर? पेपर अच्छा था, मतलब लेवल मतलब हिंदी का जैसा मतलब होना चाहिए वैसा है, इजी लेवल है। थोड़े बहुत टिपिकल था, जैसे कि इंग्लिश से हिंदी में जो अनुवाद आते हैं। राइट। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा ये था कि थोड़ा सा वो पढ़ने वाली चीजें थी, जिसने अच्छे से तैयारी करी है वो उसका वो। मीडियम कौन सा था आपका? मीडियम हिंदी था मेरा। हिंदी मीडियम था, तो मतलब दिक्कत कम आई होगी कि आई? हाँ, दिक्कत ऐसी नहीं आई है, और बाकी ये है कि थोड़ा सा अनुवाद में जैसे मैंने बताया कि उसमें दिक्कत आती है, बाकी तो देखो हिंदी मीडियम से हैं तो अलंकार वगैरह थे, संधि थे, समास थे, इनका एक बड़ा पोर्शन रहता है। जो भी ग्रामर पूछा गया इजी था, बनने लायक था, मतलब ज्यादा डीप से तो नहीं पूछा था? नहीं नहीं, व्याकरण बिल्कुल इजी था, सीधी सीधी परिभाषा डायरेक्ट पूछ ली गई थी, एग्जाम्पल पूछ लिए गए थे, संधि विच्छेद करना, उसका एग्जाम्पल देना, और संक्षेपण है, पलवन है, बिल्कुल सीधा सिलेबस से ही मतलब आया था पेपर। एक एक्सपीरियंस आपके पहले बता रहे थे कि जो सिलेबस की जो लाइन है टू द पॉइंट, वहीं वहीं से उठा लिया उन्होंने, जैसे संधि का पूछ लिया, संधि की परिभाषा पूछ लिया, समाज के बारे में पूछ लिया, डायरेक्टली मतलब डीपली नहीं गए वो? राइट, बिल्कुल ये सही है। जो जो मतलब सिलेबस में जितना पार्ट पोर्शन दिया था, डायरेक्ट वहाँ से परिभाषा उठा ली है, एग्जाम्पल उठा लिए हैं, और उसके जैसे अनुवाद है तो अनुवाद में थोड़ा सा फंसाने वाली चीजें थी, बाकी मुझे लग रहा है कि कहीं 90% चीजें बिल्कुल इजी थी, बिल्कुल। इसके पहले जो मेंस हुए थे, इसके पहले वाले, वो पेपर आपने देखे होंगे और आज आपने दिए, कुछ लगा चेंजेस लगा, या फिर वही लेवल चल रहा है, या ऊपर नीचे हुआ कुछ? हाँ, थोड़ा सा जैसे लास्ट टाइम जो पूछा था उस टाइम पे थोड़ा सा तत्सम तद्भव थोड़ा सा डीप गया था वो, और 3 मार्कर में, इसके अलावा थोड़ी सी अलंकार में भी डीप गया था, लेकिन जो आज का पेपर था अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले 2 साल से तो उससे लेवल बिल्कुल सरल था, सीधे सीधे अलंकार पूछ लिए थे, डायरेक्ट उनके भेद पूछ लिए थे, उदाहरण पूछ लिए थे। कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं 18 से कर रहा हूँ। 18 से? कितना प्री कितना मेंस और कितना इंटरव्यू दिया? मेरा 19 वाला इंटरव्यू था, हालांकि वो प्रोविजनल में है तो उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है।
और मेंस वगैरह कितने लिखे? ये मेंस मेरा दूसरा मेंस है। दूसरा मेंस। प्री? प्री तो दे ही रहे हैं, कंटिन्यू दे रहे हैं। क्या स्कोर रह रहा है प्री में अगर देखा जाए तो? अभी इतने लंबे समय से दे रहे तो क्या कितने मार्क्स आ रहे थे आपके? प्री में यार देखो जनरल से हूँ मैं, कैटेगरी से, तो अब जो जो अभी जो पैटर्न बन गया है वो 80 नंबर मतलब आप श्योर हैं कि निकल जाएंगे प्रीलिम्स में। तो मेरा जो नहीं भी निकला है वो एक नंबर या दो नंबर का ही रहता है, और मुझे लगता है जो पढ़ने वाले रहते हैं उनके साथ वो एक दो नंबर का खेल रहता है। और इसके बाद जो निकल जाते हैं अगर 75 प्लस आ रहे हैं जैसे, तो ये है कि आपका प्रोविजनल क्लियर हो, 80 आ रहे हैं तो बिल्कुल 100% श्योर है प्री क्लियर क्वालिफाई हो जाएगा। ओके थैंक यू। चलिए हमारे साथ में मैम जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे कैसा क्या पेपर रहा इनका, किस टाइप से प्रश्न पूछे गए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आकांक्षा ठाकुर है। कैसा क्या पेपर रहा अगर आपने पहले मेंस दिए हो? मैंने 19 में मेंस लिखा है, मैंने 21 में मेंस लिखा है। 19 में मैं क्वालिफाई थी मेंस में और 21 में मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। वो मेंस और आज का मेंस कुछ डिफरेंट लगा आपको? 19 से तो कंपेयर कर रहे हैं तो सिलेबस चेंज हो चुका है, लेकिन मतलब सिलेबस का है तो 75% वही है लेकिन पैटर्न चेंज हो चुका है। लेकिन हाँ 21 से यदि बोलें तो 21 का पेपर भी ठीक था और आज का पेपर भी ठीक है। कोई पोर्शन जो आपको टफ लगा हो? अब पता नहीं दूसरे लोगों के हिसाब से मैं नहीं बता सकती, लेकिन मुझे नहीं, ऐसा था जैसे आप पढ़ के आए प्रिपरेशन करके आए तो लगता है ना कि हाँ मैंने ये चीजें कवर की है। तो यदि टफ की बात करें तो मैं अपने रिवीजन के हिसाब से बताऊं तो मैंने जो पर्यायवाची शब्द हैं, ब्लोम शब्द हैं और जो प्रशासनिक शब्दावली है इसको मैंने पढ़ा तो था, लेकिन लैक ऑफ रिवीजन लगा मुझे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा था लास्ट के जो क्वेश्चन थे उनको अटेम्प्ट करने में। मतलब जो पढ़ा था लगभग वहीं से प्रश्न बने या फिर कुछ ऐसे भी प्रश्न थे जो रैंडम आ गए, मतलब जिनको अपन ने देखा ही नहीं था? नहीं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन था जिसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल टू द सिलेबस पीएससी चल रहा है। अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं आई थिंक मैंने जितना भी उनको वैल्यूट किया है बिल्कुल सिलेबस से आए।